What's your Chinese name? My no Chinese name. Oh. I have an English name. Okay. Thanks. Yeah. Tata, give me a message for you. Okay. You add my widget. Yes, I okay. Assalamu alaikum guys, welcome back to the channel. एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करते हैं. आज संडे का दिन है तो बस आज मैं निकल रहा हूँ. लास्ट टाइम हम गए थे रिवर साइड पार्क का नाम था. आज मैंने देखा है कि यहाँ पे जिंगछुआ, जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि जिंगछुआ पार्क भी है यहाँ पे. ऐसा कुछ नाम है, शान, मतलब शान ये बोलते हैं माउंटेन को. तो मैं आज उस जगह पे जा रहा हूँ, आज देखूँगा उसको, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा. मैंने सुना है यहाँ पे मुस्लिम रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, तो उसका जो लोकेशन तो मेरे पास नहीं है, बाकी उस रोड का नाम मुझे किसी चाइनीज़ बंदे ने सेंड किया है. तो आज कोशिश करूँगा कि मैं उस लोकेशन को देखूँ, उस जगह पे जाऊँ. मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइक खड़ी करने की जगह है, क्योंकि ये सारी बाइकें यहाँ पे खड़ी हैं. तो फ़िलहाल मैं भी यहाँ पे खड़ी करता हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ इस जगह पे जहाँ पे मुझे आना था, जिस लोकेशन में मुझे आना था. सामने देख रहे हो मुजस्सिमा स्टेचू, ये वाला पार्क मुझे देखना था. यहाँ से मैं इंटर हो रहा हूँ. ये शायद इसका ये भी गेट है और एक आगे भी गेट है, वहाँ से बंदा जा सकता है. ये वाला रिवर याद है, लास्ट टाइम मैं एक पुल से क्रॉस कर रहा था. यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये कोशिश करते हैं कि एक रिवर जो है ना सिटी के बीच में होना चाहिए, जैसे इसका अच्छा इम्प्रेशन और लुक आता है इस सिटी में. मतलब सिटी के दोनों साइड फिर बड़ी बड़ी इसका स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग होती है, तो ये देखने में बहुत मज़ा करता है. और इस रिवर के दोनों तरफ ये तकरीबन ट्रैक बनाते हैं जहाँ पे बंदे घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. तो चलते हैं अभी हम अंदर इस पार्क में, देखते हैं क्या है. जैसे मेरे हिसाब से जो लग रहा है ना, जिस हिसाब से इसका नाम है जिनशान, शान मतलब बोलते हैं जबल को, पहाड़ को, मुझे लग रहा है ऊपर पहाड़ी पे है. तो जाके ही पता चलेगा, अंदर चलेंगे तो. मैदान, ये वाला मैदान चेक करें किसा बना हुआ, बेहतरीन किस्म का. कितने सारे मुजस्मे लगे हुए यहाँ पे. किसी बंदे के मुजस्मे हैं, नीचे उनके चाइनीज़ में लिखा हुआ है शायद उसका नाम वगैरह, बायोडाटा वगैरह. तो ये खाली ऐसे नहीं बने हुए हैं. इस भाई को देखें, देखो नीचे लिखा हुआ है. ये क्या कर रहे हैं दोनों, मेरे हिसाब से कुनफू खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं. ये बंदा भी यहाँ पे देखें, इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है. बाकी तो घूमते हैं इसको, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए. Your name? Wang Yahe. Wang Yahe. Do you have English name? No. No. Oh. What's your Chinese name? My no Chinese name. Oh. I have an English name. Ali. 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 Tariq Ali. So Ali is easy. मैं ऊपर आया हूँ, इस पहाड़ की बिल्कुल चोटी है वहाँ पे आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कितने खूबसूरत ट्रैक बने हुए हैं, कितना खूबसूरत मज़े का पार्क बना हुआ है. देखो कैसे चाइनीज़ ने काम किया हुआ है यार, पहाड़ों पे मतलब बेहतरीन पार्क बनाए इन्होंने, बेहतरीन काम किया हुआ है कि बंदे आए यहाँ पर घूमें फिरें, इंजॉय करें और एक्सरसाइज करें. कितना खूबसूरत प्यारा सनसेट हो रहा है, देख रहे हो अभी सूरज शाम होने वाली है. काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पर घूम रहा था. सफ़ाई सुथराई चेक कर रहे हो, कितनी प्यारी सफ़ाई सुथराई है. बंदे को घूमने में भी, बैठने में भी और चलने में भी मज़ा आ रहा है यहाँ पे. असल में ये पहाड़ है मेरे हिसाब से, जो उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा बचा के रखा हुआ है ना, ये वाला मेरे हिसाब से ये पहाड़ है. इसने इसको भी काट के थोड़ा डिज़ाइन बना के छोड़ा हुआ है कि ये इसकी सबसे टॉप वाली चोटी है. और ये यहाँ पे बेहतरीन घास दास लगी हुई है. ये बंदे, ये चाचू अंकल वगैरह, ये को वहाँ पे वॉक कर रहे हैं. यहाँ पे हर जगह पे आपको डस्टबिन मिलेगा,
देखो हर किस्म के डस्टबिन, ऐसे डस्टबिन होते हैं यहाँ पे, आप कचरा वगैरह उसमें फेंक लें। लाइटिंग का फुल सिस्टम लाइटिंग का है, अगर आप आपको रात हो गई या आप रात में आ गए तो आपको यहाँ पे डर वगैरह नहीं लगेगा। और इस मोस्टली ये इस पूरे पार्क को ऐसा बनाते हैं जैसे कि जंगल है, आप किसी जंगल में घुस गए और उस जंगल में खूबसूरत ट्रैक है, चलने फिरने की जगह है, बैठने की जगह है। तो ये पूरा मतलब आर्टिफिशियल ये चीज़ क्रिएट करते हैं यहाँ पे। वहाँ भी लोग खेल रहे थे, मैंने सोचा पहले यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को देखूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे वहाँ भी जाऊँगा, फिर निकलूँगा। अभी भाई साहब यहाँ तो मेरी सोच से ज़्यादा माहौल निकला। यहाँ पे आप देख ले मेरे पीछे ये बास्केटबॉल खेल रहे हैं और यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है पूरा, और यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, और ऊपर उस साइड पे बच्चों के खेलने की जगह है। ये तो मैंने देखा भी नहीं था। वहाँ पे भी अलग तीन चार किस्म के जो हैं प्ले एरिया बने हुए हैं यहाँ। बहुत बड़ा माहौल है यार इस पार्क में, तो आना चाहिए वो यार संडे को। अभी थोड़ा इनके साथ में बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। हाय नी हाउ, कैन आई ट्राई दिस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, गुड, यस। Thank you. Okay. Hey, Dava. Yeah. Okay. See you next time. See you next time. You come to my home. Okay. Problem. Of course. Of course. Good. Okay. 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 Bye bye. Yes, bye bye. See you. Okay. Thank you. Yeah. Give me a message for you. Okay. 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 You add my WeChat. Yes. Yes. I can. Okay. Hui Jun. Hui Chu. It's called Li. Chu Li. भाई ये पार्क में एक बंदा मिल गया था वाइफ के साथ साथ अपनी, तो शुक्र है इसको इंग्लिश आ रही थी। मज़े की ये बात है कि ये वेब डेवलपर था। सही है गाइस, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, टाइम बहुत हो गया। मैं तकरीबन आधा घंटा इनके साथ मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि इन दोनों को इंग्लिश आ रही थी। वो उसकी वाइफ थी, वो भी ज्योग्राफी यहाँ पे पढ़ाती है, और ये बंदा डेवलपमेंट का था, तो जारी बात है हम वेबसाइट के बातें कर रहे थे। तो मैंने इसको वो वाली वेबसाइट भी दिखाई जो मैंने काम किया था चाइनीज़ बंदे के साथ, तो बहुत खुश हुआ वो देख के। बोल रहा था कि आपका काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं भाई, चाइनीज़ बहुत हमसे तेज़ है, तो ऐसा करना तू मुझे सिखा देना। तो उसने बोला ठीक है, मैं आऊँगा आपके घर, फिर आपको सिखाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बहुत टाइम हो गया हमारा, तकरीबन रात होने वाली है, और मैं जाऊँगा अभी सीधा मार्केट, वहाँ से सामान लूँगा और चला जाऊँगा। तो ये था पार्क आज जो मैंने विज़िट किया, आपको भी दिखाया, और मुझे भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे यार। आज मैं बहुत बड़ा खुश हूँ, मुझे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मुस्लिम रेस्टोरेंट मिल गया, जिसकी मुझे बहुत तलाश थी। इतने दिनों से मैं पूछ के थक गया था कि भाई कहाँ पे यहाँ पे मुस्लिम रेस्टोरेंट मुझे बताओ। कुछ बोल रहे थे यहाँ पे, कुछ बोल रहे थे उधर है। तो फाइनली मुझे आज एक चाइनीज़ बंदे ने हेल्प की और मुझे यहाँ पे लेके आया, और मैंने ये देख लिया। मेरे घर से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर होगा, अगर सही है गुड है कोई मसला नहीं है, मैं कभी कभी यहाँ पे आ जाऊँगा। मुझे मार्केट जाना था, मैं मार्केट भी नहीं गया, मैं पहला सीधे यहाँ पे आया। मैंने कहा पहले ये काम करते हैं उसके बाद फिर मैं मार्केट जाता हूँ। आज मैंने यहाँ पे ये मेनू लगे हुए, मैंने वो वाला ऑर्डर करा हुआ है, चावल और उसके साथ पोटाटो और आटे गोश्त है। तो बहुत टाइम के बाद मुझे गोश्त खाने को मिलेगा। तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं मैंने गोश्त नहीं खाया, मैंने मुर्गी नहीं खाई। इनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे चाइनीज़ भी आते हैं शौक से खाने। एक तो इनका लाचो लामिया भी बहुत मशहूर है, और जितने यहाँ पे मेन्यू लगे तकरीबन ये शिनजान मुस्लिम ही बनाते हैं, तो चाइनीज़ भी यहाँ पे आते हैं अक्सर, वो और इनकी चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं, खास करके लाचो लामिया।
तो अब यहाँ पे पार्सल का भी ऑप्शन है कि आप पार्सल भी ले सकते हो, आप यहाँ बैठ के खा भी सकते हो। आज तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ बैठ के खाऊँगा, शायद इसने मेरी बात को नहीं समझा। मैंने इसको वो चावल वाले बोले थे पहले, मैंने इससे पूछा था कि ये लांचो लामिया है आपके पास, तो ये लांचो लामिया ही लेके आया। खैर चलो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी खाते हैं। बहुत टाइम के बाद मैंने ना लांचो लामिया खाई है यहाँ पे, इसमें गोश्त भी होता है। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मीटिंग में, दोस्त ने मंगवाई थी पार्सल, याद होगा आपको। अब दूसरा टाइम मैं आज खा रहा हूँ, मतलब 3-4 हफ्ते के बाद खा रहा हूँ। इसमें गोश्त भी है, ये नूडल्स भी हैं, और ये मसाला वगैरह हम डाल सकते हैं इसको। बहुत मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं, वो टाइम के बाद नहीं खा रहा हूँ। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो ये वाले चावल राइस वाले भी लेके आया, ये भी लेके आया, अब ये बोल रहा है आप खा लो, समझेंगे आज। और मुझे तो लग रहा है या तो ये मुझे ट्रीट दे रहे हैं या तो ये पूरा बिल काटेंगे दोनों के। चलो मैं खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, और या तो एक को पार्सल करवाता हूँ, घर लेके जाता हूँ, फिर वो खाऊँगा बाद। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन डिनर हो गया, काफ़ी टाइम के बाद इतना टेस्टी डिनर मैंने किया हुआ है, वो भी मीट के साथ, गोश्त के साथ। तो बैटरी भी मेरी लो हो रही है बार बार, मेरा गोप्रो बंद हो रहा है। इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नए व्लॉग में, नई जगह, नई लोकेशन या नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।